Assalamualaikum everybody, welcome back to my YouTube channel Beauty Tips. I hope so you all are doing well and doing a great job. So आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी जो आपके बालों को बिल्कुल permanently स्ट्रेट करे। उसके लिए आपको जो लेना है 3 टेबल स्पून ऑफ मकई का आटा। मकई का आटा लेने के बाद आपको 1 कप नारियल का दूध लेना है। उसके बाद जो आपने लेना है उस सबको मिक्स कर देना, नारियल के दूध को और मकई के आटे को जो है आपने मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने इसको स्टर कर लेना है और उसको कुक कर लेना है अंटिल देन इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाए। उसके बाद ये आपने इसके अंदर डालना है जैतून का तेल। आप 2 चम्मच डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैतून का तेल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप लोगों ने 1 अंडा इसमें शामिल करना है। अंडा भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके ड्राई फ्रीजी हेयर्स हैं तो आप पूरा 1 अंडा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के बाल ऑयली हैं तो आप इसका येलोइश पोर्शन को स्किप आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इस जो बैटर गाढ़ा हो गया था उसके अंदर जो है ऑयल, जैतून का ऑयल और अंडा वाला जो बैटर था वो आपने इसके अंदर मिक्स आउट कर लेना है और उसको अच्छे से स्टिर आउट कर लेना है ताकि ये सब कुछ अच्छे से मिक्स आउट हो जाए। उसके बाद गाइस आप लोगों ने अपने बालों में इसको अप्लाई करना है। उसमें यह है कि आपके बाल जो हैं पहले से अच्छे से नीम गर्म पानी से धुले होने चाहिए ताकि वो साफ़ हो जाएँ और जो आपकी रूट्स हैं वो अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने अपने बालों को जो है ड्राई कर लेना है और उसके अंदर अच्छे से कॉम कर लेनी है और कॉम जो है आप लोगों ने वुडन ब्रश से किया करें ताकि आपके बाल हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन रहें। उसके बाद आपने इसको अच्छे से कॉम करना है ताकि आपके कोई भी टैंगल ना रहे आपके बालों में। उसके बाद आप लोगों ने मास्क अप्लाई करना है और इस तरह अप्लाई करना है कि आपके जो सारे के सारे बाल हैं वो स्ट्रेट रहें। कोई भी बाल आपने कर्ल नहीं करना, उसको कर्व नहीं करना ताकि आपके बालों में वैसा कर्व ना जाए। आप लोगों ने कोशिश करनी कि अपना बैटर जो है पूरा रूट से लेकर एंड्स तक अप्लाई करें और अपने बालों को सीधा रखें। ब्रश के थ्रू लगा सकते हैं, हाथों के थ्रू लगा सकते हैं और इससे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से ब्रश करना है ताकि टेंगल फ्री आपके हेयर जो है अच्छे से आपका पूरा मास जो है आपके बालों में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। 45 मिनट्स के बाद आप लोगों ने अपने बालों को जो है केमिकल फ्री शैम्पू से ही वॉश आउट कर लेना है और अच्छे तरीके से वॉश आउट करना है। आप 2 टाइम्स ये शैम्पू अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने बालों को हेयर ड्राई करना है। आप नेचुरली इसको ड्राई करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद जो आप लोग अपने बालों में एक अच्छा सा सिल्की स्मूदर लुक दे सकते हैं। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा फ्लैट आयरन से भी अपने बालों को मज़ीद सूटेबल कर सकते हैं। टेंगल फ्री करें, अच्छे से कॉम करें और अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने बालों को जो है वो खुला ना छोड़ें। एंड देन यू कैन सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। इंशाल्लाह आपको 2 वीक के रिज़ल्ट के बाद इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप 2 वीक इसको अप्लाई करते हैं अपने हेयर स्किन पर, इंशाल्लाह आपके बाल भी ग्रोथ में अच्छे हो जाएंगे और ये सिल्की स्मूथ स्ट्रेट परमानेंटली आपके घर में हो जाएंगे विदाउट एनी केमिकल। आप शानदार से बालों को अचीव कर सकते हैं एट योर होम। सो गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो बाय गाइज़।